अंडानी और अंबानी के वास्तव में मोदी जी दलाल हैं। जितने गरीब हैं सबको जब तक गरीबों को मिटा नहीं देंगे ये भारतीय जनता पार्टी वाले, तब तक दम नहीं लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पुराने जमाने के ठग हैं, यही बाबू बाबा के लोग हैं। तो गंवार हो जाएंगे तो उनको राशन खिला करके बेवकूफ बनाना इनका सदियों का आदत है। ये पुराने शिकारी है लोग, ये वास्तव में बाबू बाबा की पार्टी है। कभी पिछड़ों के हित ऐसे नहीं हो सकते हैं। इसी समय कोरोना आना है, ये चुनाव में चुनाव आते आते जब तक हम लोगों का ये आचार संहिता लगेगा उसके पहले ही लॉकडाउन लगा देंगे, ये इनकी मंशा है। ये चुनाव को प्रभावित करना, इनको सत्ता चाहिए, चाहे करोड़ों लाखों मर जाए लोग, बेरोजगारी चरम सीमा पर, उनसे कोई लेना देना नहीं है। राशन में भी ये लोग इसमें भी जहर मिलाने का काम करेंगे, वो साइनाइड डालने का काम करेंगे ताकि पिछड़े और दलित खाएं और एक ही दिन में खत्म हो जाए, सत्ता पे काबिज हो जाए, ये इनकी मंशा है। और एजेंट हैं योगी मोदी जी और अमित शाह जी, ये देश को लूट लेंगे, जब तक लूट नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो के तरीके से पूरे देश को खोखला करने की इनकी मंशा है। हमारे साथ इसी क्रम में एक और नेता जी खड़े हैं, ये भी क्या नाम है आपका नेता जी? तो नाम तो भी निशान हमारा है। तो आपको क्या लगता है जो लोकसभा 24 के इलेक्शन और आप भी तो तैयारी कर रहे हैं लड़ने के, इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं? अब सुल्तानपुर जिले से है, वहीं से लड़ना चाह रहे हैं, मानी जी लड़ाएंगे। आपका जो है कहाँ सुल्तानपुर से आप इलेक्शन? हमारी पूरी हो चुकी है और वहाँ आज कल जो है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम था जिसमें जनता तो आई नहीं, वहाँ स्कूली बच्चों को बैठा करके दुबेपुर गाँव में कार्यक्रम निरस्त हुआ उन लोगों का। ये बड़े मायावी लोग हैं, ये कोरोना नहीं, ये विदेशों से इनका नेटवर्क जोड़ करके एक हवा बनाने के लिए डॉक्टरों से मिल करके ताकि चुनाव को प्रभावित करें। ये पुराने शिकारी है लोग, ये वास्तव में बाबू बाबा की पार्टी है, बाबू बाबा की पार्टी है। ये लोग जो है कभी पिछड़ों के हित ऐसे नहीं हो सकते हैं। इसी समय कोरोना आना है, ये चुनाव में चुनाव आते आते जब तक हम लोगों का ये आचार संहिता लगेगा उसके पहले ही लॉकडाउन लगा देंगे, ये इनकी मंशा है। अब पाकिस्तान पे अटैक कराना, ताकि ये भारत भावुकता का देश है, ताकि कुछ लोग मरेंगे, जैसे 2019 में इन्होंने अटैक करवाया, काफ़ी लोग मारे गए, ऐसे ही कोरोना का एक रूप दे करके ये चुनाव को प्रभावित करना, इनको सत्ता चाहिए, चाहे करोड़ों लाखों मर जाए लोग, बेरोजगारी चरम सीमा पर, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तानाशाह है, ठाकुर लोग बड़े शौकी होते हैं। एक जज महिला है बांदा की, उसके साथ देखिए दुराचार हो रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप देखिए आपके सामने की बात है, सभी लोग मीडिया जान रही होगा, पूरा प्रदेश जान रहा है। ये पुराने शौकी लोग हैं, वही लोग तो वहाँ बैठे, आरएसएस में है कौन? आरएसएस में यही लोग तो हैं, सारा जो है बनाते हैं प्रोपेगेंडा, कैसे जीता जाए, कैसे राशन खिला करके, राशन में भी सत्ता के लिए, उसमें भी जो है राशन में भी ये लोग इसमें भी जहर मिलाने का काम करेंगे, इसमें भी ये जहर मिलाने का काम करेंगे सत्ता के लिए। देख लेना, जब सत्ता नहीं पाएंगे तो उसमें जो है एक सल्फास होता है, एक जो है साइनाइड, वो साइनाइड डालने का काम करेंगे ताकि पिछड़े और दलित खाएं और एक ही दिन में खत्म हो जाए, सत्ता पे काबिज हो जाए, ये इनकी मंशा है। तो लोकसभा चुनाव में अगर कोरोना लग जाता लॉकडाउन से आपके चुनाव क्या फर्क पड़े, क्या लगा? कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ेगा, चूंकि लोग उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश ये जान रहा है कि झूठ माफिया है, ये कभी पिछड़े अति पिछड़े के हित ऐसे नहीं हो सकते हैं। ये केवल अंडानी और अंबानी के वास्तव में मोदी जी दलाल हैं और एजेंट हैं योगी मोदी जी और अमित शाह जी, ये देश को लूट लेंगे, जब तक लूट नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो के तरीके से पूरे देश को खोखला करने की इनकी मंशा है। ये बड़े कानून व्यवस्था तो पूरे प्रदेश में सही है, महिलाओं का आज ही देखिए सब वहाँ बिल पास हुआ है कि अब महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का जो भी मामले रहेंगे तो मैक्सिमम 190 दिन में अधिकारी की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, अभी ये खतरा की घटना है। कैसी है कानून व्यवस्था, कहाँ अधिकारियों के साथ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, झूठ माफिया है। ये मैं कह रहा हूँ कि जितने गरीब हैं सबको जब तक गरीबों को मिटा नहीं देंगे ये भारतीय जनता पार्टी वाले, तब तक दम नहीं लेंगे। और उत्तर प्रदेश में किसी यादव को ला के मुख्यमंत्री बनाए, यहाँ यादव मुलायम सिंह को मानता है, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्तक हैं, और माननीय अखिलेश जी को कोई यादव फादव कोई मतलब नहीं है कि मोहन जी को लाएं इनको लाएं बगल बनाएं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इनकी जो चालाकी है कि समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए हम गिरीश चंद्र या किसी को बना देंगे तो यादव जो है अखिलेश जी का साथ छोड़ देगा, ये भूल जाएं।
ये नहीं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग पूरा मन बना चुके हैं, अब की बार जात पात का बंधन तोड़ो, समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ो, जितने पिछड़े हैं, पिछाड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, सब का सब इनका है, अब चलने वाला प्रोगंडा नहीं है, झूठ माफिया है, ये सब समझ रहे हैं कि बहुत बड़े बवाली हैं, ये पुराने जमाने के ठग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पुराने जमाने के ठग हैं, यही बाबू बाबा के लोग हैं, है जैसे अमरीश पूरी फिल्म में यही ना दिखाया कि जमीन में आग लगा दो, बात पहुंच गया, कहता नहीं नहीं हम भूखे नहीं मरने, हमारे पास पर्याप्त गल्ला है गोदाम में, और बंटवाते हैं और लोग कहते हैं सर अंगूठा ले लूं, तो कहते नहीं नहीं अभी इनको हराम की खाने की आदत, तभी पिछड़े अति पिछड़े जो पढ़े लिखे नहीं, शिक्षण व्यवस्था छीन लेंगे, जब पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगी बेरोजगार हो जाएंगे, तो गंवार हो जाएंगे, तो उनको राशन खिला करके बेवकूफ बनाना इनका सदियों का आदत है, और इसलिए ये भूल जाएं उत्तर प्रदेश में 80-80 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन करके जीतने का काम करेगी, ये और सम्मान करके चलना, इनकी विदाई पक्का है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भीम निषाद जी, इनका कहना है कि 2024 में जनता अब जाग चुकी है, दलित पिछड़े आदिवासी लोगों को अपने हक के लिए जागरूक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी इस पार्टी से, भाजपा पार्टी से देश की विदाई तय है। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।